क्वेश्चन नंबर सेकेंड द ओलंपिक गेम्स वर इनिशियली डैश ईयर्स मतलब स्टार्टिंग में जो ओलंपिक गेम्स थे वो हर चार साल में होते थे ओके एवरी फोर ईयर्स में किए जाते थे ओके इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर थर्ड द ओलंपिक फ्लैग हैज डैश रिंग्स ऑन इट मतलब जो ओलंपिक का फ्लैग है उसमें कितनी रिंग्स बनी हुई होती है फाइव रिंग्स बनी हुई होती है ओके क्वेश्चन नंबर फोर्थ द रिंग्स आर ऑफ डिफरेंट डैश रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स मतलब जो फ्लैग है उसमें रिंग्स क्या होती है फाइव होती है और वो फाइव रिंग्स डिफरेंट कलर्स की होती है ओके स्टूडेंट सारी रिंग सेम कलर की नहीं होती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की रिंग्स बनी हुई होती है ओके okay? और वो रिंग्स क्या करती है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है ओके फिफ्थ टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ओलम्पिक्स अ फ्लैम और डैश इज लीड इन ओलम्पिया एंड बाउ टू द होस्ट कंट्री मतलब जब भी ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं तो बिगनिंग में एक फ्लैम या क्या फ्लैम या टॉर्च जलाई जाती है ओके फ्लैम को हिंदी में मशाल बोलते हैं इसका मतलब ये होता है कि ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो गए ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स नाउ द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स इन समर एंड विंटर मतलब अब ओलंपिक गेम्स कितने ईयर्स में होते हैं हर दो साल में होते हैं ओके पहले स्टार्टिंग में हर फाइव फोर ईयर्स में होते थे एवरी फोर ईयर्स में पर अब एवरी टू ईयर्स में होने लगे ओके क्वेश्चन नंबर सेवन बिफोर द मेडल्स वर इंट्रोड्यूस द विनर्स इन ओलंपिक वर गिवन अ क्राउन ऑफ डैश लिवस मतलब जब विनर्स को मेडल्स दिए जाते हैं उससे पहले उन्हें क्राउन दिया जाता है ओके okay? और वो क्राउन कौन सी लीव से बना हुआ होता है ऑलिव लीव्स बना होता है ओके क्वेश्चन नंबर एट द कंट्री फेमस फॉर विनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स इज एक ऐसी कंट्री जिसने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं ओके okay, वो कौन सी है यूएसए ओके स्टूडेंट्स नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी राइट वाई इफ यू एग्री एंड एन इफ यू टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओलंपिक्स मतलब अगर आप किसी स्टेटमेंट से एग्री हैं तो उसके लिए वाई मतलब कि यस yes लिखेंगे और किसी स्टेटमेंट से आप डिस हैं तो उसके लिए आप एन मतलब कि नो नो लिखेंगे ओके क्वेश्चन नंबर वन वुमेंस वर नॉट अलाउडेड टू पार्टिसिपेट इन द एशियन ओलंपिक गेम्स एशियन मतलब कि जब स्टार्टिंग में जब गेम्स होते थे ओलंपिक गेम्स तब वुमस को अलाउ नहीं था उसमें पार्टिसिपेट करना यस ओके क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑल अलाउड टू वॉच द गेम्स सभी वुमन्स को अलाउ था गेम्स देखना नो no. वुमस को गेम्स देखना भी अलाउ नहीं था पहले ओके ओलम्पिक गेम्स वर मोर अबाउट पार्टिसिपेट देन विनिंग ओलम्पिक गेम्स का मतलब ये है ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें जितने से ज्यादा जरूरी है पार्टिसिपेट करना तो ये स्टेटमेंट ट्रू है यस yes. हमने लिखा वाई ओके फोर्थ देयर इज ऑलवेज अ मास्कोट रिलेटेड टू दिस गेम्स यूजली एन एनिमल मास्कोट मतलब होता है शुभ ओके okay. तो एक ऐसा गेम से रिलेटेड एक शुभ चीज वहां पे होती थी जो नॉर्मली एनिमल होता था ओके okay. ऐसा कुछ होता था ओलंपिक में तो आंसर इज वाई मतलब कि यस ओके फिफ्थ दिस गेम्स वर हेल्ड इन इंडिया ये गेम कभी इंडिया में हुए नो no. अभी तक ये गेम्स इंडिया में नहीं हुए दिस गेम्स नेवर इन अफ्रीका क्या ये गेम कभी भी अफ्रीका में नहीं हुए हैं क्या आंसर इज यस मतलब कभी भी अफ्रीका में नहीं हुए हैं क्वेश्चन नंबर सेवन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स आर मेड ऑफ रियल गोल्ड मतलब जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता है वो क्या गोल्ड से बना होता है आंसर इज नो आंसर इज नो ओके थैंक यू